हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या फिर सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये हमने जाना था। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। ये टॉपिक है हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। जिससे कि हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी था। रॉ मटेरियल में CO2 और H2O, ये दो चीज़ें ज़रूरी थी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था और पानी चाहिए था। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है पौधों को? एयर से मिलता है। और पानी कहाँ से मिलता है पौधों को? मिट्टी से मिलता है, सॉयल से मिलता है। अब हवा से कौन लेता है CO2? पत्तियाँ लेती हैं थ्रू लीव्स। और ज़मीन से पानी कौन लेता है? जड़ें लेती हैं तो थ्रू रूट्स। तो ये दो हमारा बेसिक चीज़ हो गया कि CO2 जो मिलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वो हमारा हवा से मिलता है जिसको पत्तियाँ लेती हैं, और जो पानी होता है वो हमारा ज़मीन से मिलता है जिसको कि जड़ें लेती हैं। ठीक है, तो अब CO2 के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो पत्तियाँ होती हैं इनके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे, टीनी मतलब बहुत छोटे, पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों के ऊपर, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पत्तियों में इन्हीं छेद के द्वारा अंदर जाता है। ठीक है, CO2 एंटर्स द लीव्स थ्रू दीज पोर्स, मतलब जो छोटे छोटे छेद होते हैं इन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर जाता है। ठीक है, स्टोमेटा क्या हो गया? स्टोमेटा हो गया स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स, मतलब पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद हो गए। अब ये करता क्या क्या है? ये करता है एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 जो होती है वो यहीं से अंदर जाती है। और पता है आपको कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लास्ट में आपका ऑक्सीजन भी बनती है। पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनाते हैं। तो वो ऑक्सीजन क्या होती है, फिर रिलीज कैसे होती है? फिर इन्हीं छेदों के द्वारा बाहर निकल जाती है इन्वायरमेंट में, फिर जिसको हम ह्यूमन लोग अपने यूज में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टोमेटा ओपन भी रह सकता है, आपका क्लोज भी रह सकता है। ठीक है, अब ओपन और क्लोज कैसे होता है स्टोमेटा, मतलब ये खुलता और छेद जो होता है ये खुलता और बंद कैसे होता है, ये देखने के लिए अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा व्हेन CO2 इज नीडेड, मतलब कि जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत रहती है उस समय पर क्या होता है कि देखिए, ये जो आपका स्टोमेटा होता है ना, इससे किनारे किनारे दो सेल्स होती हैं, उसको उनको बोलते हैं गार्ड सेल। जैसे किसी गेट पे होता है ना, गेट पे गार्ड खड़े होते हैं, ठीक वैसे ही स्टोमेटा के किनारे किनारे दो सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स। देखिए, आपकी दो सेल्स हो गई, गार्ड सेल हो गया और बीच में आपका स्टोमेटा हो गया। अभी गार्ड सेल करती क्या है, ये स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में मदद करती हैं। कैसे करती हैं? देखिए, जब स्टोमेटा खुलना होता है तो इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी चला जाता है। ठीक है, इसके अंदर पानी जाएगा तो फिर इसकी स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग मतलब ये सूज जाएगा, एक तरीके से मानिए कि स्वेल अप हो जाएगा। अब जैसे ही स्वेल अप होगा ये, तैसे इसका पोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि स्टोमेटा को बंद होना है, क्योंकि गार्ड सेल जो होता है उसका सेप ही होता है, ऐसे कर्वी सा होता है इसका सेप, कर्व कर्व का सेप होता है इसका, इसका सेप गार्ड सेल का ऐसा होता है। ठीक है, और जब स्टोमेटा को बंद होना होता है तो इन सेल से पानी बाहर निकल जाता है, इन सेल से पानी बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है कि अब ये सिकुड़ जाती हैं, सेल श्रिंक कर जाती हैं। जब सिकुड़ जाएंगी तो स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है, क्या पता चलता है कि पानी जो होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, लॉस्ट हो जाता है इन्वायरमेंट में। इसीलिए क्या करते हैं पौधे, कि जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं रहती है तो स्टोमेटा को बंद करते हैं, क्योंकि अगर वो खुला रहा तो उसके अंदर से पानी भी निकलता जाएगा और यहीं से वाटर लॉस होता है प्लांट्स की लीव्स के थ्रू। ठीक है, अब देखिए स्टोमेटा पाया कहाँ कहाँ जाता है। जो आपका स्टोमेटा होता है, एक तो हमने बताया था कि पत्तियों में होता है, और दूसरा कहाँ पाया जाता है, दूसरा ग्रीन स्टेम्स, मतलब जो हरी डंठले होती हैं पौधों की। मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसे पौधा है, तो एक तो मान लीजिए इधर ऐसे हो गया, एक तो पत्तियों में तो पाया जाता है, लेकिन जो हरी डंठले हैं पौधों की, जो पौधों की हरी डंठले जहाँ तक रहती हैं इनमें भी पाया जाता है, मतलब जो भी चीज़ पौधों में हरा होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो अब हमने इससे एक चीज़ और पता कर ली, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है हमारा, वो भी हमारा पत्तियों में भी हो सकता है और हरे तनों में भी हो सकता है। ठीक है, देखिए स्टोमेटा के पाए जाने का एक पैटर्न होता है। ठीक है, ब्रॉड लीव्स, अगर चौड़ी चौड़ी पत्तियां, मतलब सपोज कीजिए कि ऐसी ऐसी चौड़ी चौड़ी सी पत्तियाँ हैं, उसमें क्या होगा कि स्टोमेटा जो होगा ओनली इन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, इसमें जो पत्ती का निचले वाला हिस्सा होता है, मतलब कि मान लीजिए पत्ती के ऊपर वाला हिस्सा हो गया, तो इस पर स्टोमेटा नहीं मिलता है। जो पत्ती का नीचे वाला हिस्सा होता है
उस पे मिलेगा स्टोमेटा अगर पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी हैं तो। लेकिन वही अगर पतली पतली पत्तियाँ होंगी, मान लीजिए नैरो लीव्स हैं, ऐसे 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 पतली पतली पत्तियाँ हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों सरफेस पे बराबर बराबर पाया जाता है, ऊपर भी बराबर और नीचे भी बराबर। क्यों? क्योंकि देखिए जो चौड़ी पत्तियाँ हैं तो उस पर बहुत सारा सरफेस एरिया है, तो सिर्फ एक तरफ भी अगर स्टोमेटा रहेगा तब भी काम हो जाएगा। लेकिन जो पतली पत्तियाँ हैं, थोड़ी पतली है तो इसका एरिया कम है, और अगर एरिया कम है इसका दोनों तरफ स्टोमेटा रहेगा तभी अपना प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएंगे, ठीक है। फिर हमारे मन में एक सवाल आता है कि जो पौधे पानी में होते हैं वो कैसे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पूरे के पूरे पानी में रहते हैं वो कैसे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाँ, वो भी लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ से लेते हैं? वो पानी से ही लेते हैं। अब आप कहेंगे कि पानी से कैसे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो पानी में गैसेस घुली रहती हैं, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो घुला रहता है, ठीक है। तो वो वही जो पानी में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 डिजॉल्व इन वाटर, वही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और पानी में फिर छोड़ते हैं, क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसी पानी में, वो भी घुल जाता है। और वो ऑक्सीजन फिर कौन यूज करता है? वो जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो उसी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं अपनी, ठीक ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर दूसरा हमारा आ गया हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब CO2 तुमने इन्वायरमेंट से ले लिया, पता चल गया हमको कि स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके अंदर से घुस जाता है। अब देखते हैं कि पानी कैसे लेते हैं पौधे। देखिए पानी पहले हमको पता है कि पानी लेते हैं जड़ों से। सबसे पहले जड़ों से पानी लेंगे, कैसे लेंगे, मिट्टी है, मिट्टी में पानी रहता है, उसी मिट्टी में जड़ें हैं तो रूट से ले लेंगे। इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस मतलब सिंपल सा होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर अगर पानी जाता है तो उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब जिधर मान लीजिए सपोज कीजिए ज़्यादा पानी है किसी तरफ कम पानी है, तो ज़्यादा पानी से कम पानी या फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पानी जाता है उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब फिर ये तो जड़ों तक तो आ गया, मान लीजिए आपका पौधा बना दिया मैंने, थोड़ा छोटा सा नहीं बना पाया, ठीक है। यहाँ मान लीजिए जड़ों में तो पानी आ गया आपके, अब यहाँ से इन पत्तियों तक कैसे पहुँचेगा ये देखने वाली बात है। तो यहाँ से यहाँ तक जाता है जाइलम के थ्रू। जाइलम मतलब होता है एक पाइप होती है इसके अंदर, जिसे बोलते हैं जाइलम। जाइलम एक पाइप होती है जिसके थ्रू पानी यहाँ से जड़ों से होते हुए पत्तियों तक जाता है, ठीक है। उसे बोलते हैं जाइलम वेसल्स, ठीक है। ऐसे ही और पत्तियों तक पहुँच गया, अब फिर वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया CO2 एंड H2O हो गया, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी पौधों को ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सब पौधे कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो ये सब भी पौधे जड़ों से ही लेते हैं, सॉइल मतलब मिट्टी में सब होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम सब मिट्टी में होते हैं, वहाँ से पौधे इसको जड़ों से ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन आपका जो यूरिया खाद होती है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही रहता है। ऐसे फास्फोरस भी खेतों में लोग छिड़कते हैं, ये सब मैग्नीशियम आयरन सब मिट्टी से ही लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये पता कर लिया कि हमको पौधों को CO2 कहाँ से मिल गया, पौधों को पानी कहाँ से मिल गया। अब हम पता करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। हाँ, सिंपल सा आंसर कि पत्तियों में होता है, लेकिन पत्तियों में भी कहाँ होता है, ठीक है, ये पता करने की कोशिश करेंगे। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखिए जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, मतलब ऐसी सेल्स जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, उनको एक और नाम दिया जाता है, AKA मतलब आल्सो नोन एज मीजोफिल सेल्स, ठीक है। मतलब ऐसी सेल्स जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स या फिर मीजोफिल सेल्स, ठीक है। अब देखिए एक तो मान लीजिए ये आपका सपोज कि ये सेल हो गया आपका, ठीक है। इस पूरी सेल को हमने बोल दिया फोटोसिंथेटिक सेल या फिर मीजोफिल सेल, ठीक है। अब इस सेल के अंदर भी कोई एक विशेष ऑर्गेनेल होता है, जिसे अपने को होता क्या है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन की एक सेल होती है तो उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, गॉल्गी बॉडी होता है, न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, पेरोक्सिसोम्स होते हैं। तो ये तो सेल हो गई पूरी एक, और ये छोटे छोटे जो बता रहा हूँ मैं इनके ऑर्गेनेल हो गए। तो ऐसे प्लांट्स में जो सेल होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है उसको तो बोलते हैं फोटोसिंथेटिक सेल या फिर मीजोफिल सेल्स, लेकिन जो उसके अंदर वो ऑर्गेनेल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इस क्लोरोप्लास्ट पे वो पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से पत्तियों का कलर हरा रहता है, उसको बोलते थे क्लोरोफिल, ठीक है।
तो ये समझने का ये हो गया तरीका अपना, मतलब एक सेल हो गई आपका मेसोफिल, उसके अंदर हो गया क्लोरोप्लास्ट, और उसके क्लोरोप्लास्ट के ऊपर जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, ये इसका सिक्वेंस है। अब देखिए एक पत्ती के जो ऊपर होता है वो होता है थाउजेंड्स ऑफ मेसोफिल सेल्स, ठीक है, मतलब कई हजार मेसोफिल सेल्स होती हैं हर पत्तियों में, ठीक है, और एक मेसोफिल सेल के अंदर 100 से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक, मतलब इस एक एक मेसोफिल में 100 से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे, और ऐसे हजारों हजारों मेसोफिल्स पत्तियों में रहते हैं। तो इस हिसाब से हम देख लेंगे कि आराम से CO2 जो होता है वो इन पत्तियों में जाता है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे, ठीक है। अब समरी क्या है, एयर हमको मिला, एयर से हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टोमेटा के थ्रू होते हुए क्लोरोप्लास्ट में आ गया, और मिट्टी से हमको मिला पानी जो कि रूट से होते हुए फिर वहाँ से जाइलम से होते हुए क्लोरोप्लास्ट में आ गया। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में क्या था कि मेसोफिल सेल्स, मतलब मेसोफिल सेल्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट थे हमारा, ये मेसोफिल सेल हो गया मेसोफिल सेल, और इसमें एक क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा आपका CO2 भी आ गया और H2O भी आ गया, और यहीं पे आपका क्लोरोफिल भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का हो जाएगा, और बनेगा क्या क्या, दो चीज़ें बनेंगी इससे फोटोसिंथेसिस से, एक तो आपका फूड बनेगा, फूड मतलब कि ग्लूकोज, और दूसरा आपका ऑक्सीजन बनेगा। ग्लूकोज पौधा इस्तेमाल कर लेगा अपनी ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए, और ऑक्सीजन जो होगी वो रिलीज हो जाएगा, कहाँ से होगा, स्टोमेटा से ही हो जाएगा, और इस रिलीज ऑक्सीजन को फिर हम ह्यूमंस सांस लेने के लिए इस्तेमाल में कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज ख़त्म हो रहा है पौधों में जितना भी था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।